दरुद पाक सुन जल्ला उम्मा सल्ले अला सैयदिना मौलाना मोहम्मद बारी अलैहि वसल्लम या नबी अल्लाह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते गैब बताने वाले नबी पर ए ईमान वालों तुम भी उन पर दरूदो सलाम को भेजो। तो अल्लाह फरमाता है अपने बंदों से कि मेरे बंदों देखो मैं और मेरे फरिश्ते दरूद भेजते हैं नबी पर, तुम भी खूब खूब दरूद सलाम भेजो। तो वसूल बरकत और तरक्की मार्फत और हुजूर की कुर्बत के लिए दरूद सलाम से बेहतर कोई जरिया नहीं है। यकीनन सरकार मदीना अलैहिस्सलाम पर दरूद सलाम भेजने के बेशुमार फजाइल और बरकतें हैं। इनको अहाता बयान में लाना मुमकिन ही नहीं है। दरूद शरीफ के फजाइल में बेशुमार कुतुब लिखी जा चुकी हैं, उसके फजाइल और समरात अक्सर मुबल्लिगीन बयान करते रहते हैं। कलम की रोशनाई तो खत्म हो सकती है, समंदर के पानी तो सूख सकते हैं, बयान के अल्फाज भी खत्म हो सकते हैं, मगर फजाइले दरूद व सलाम का इहाता नहीं हो सकता। यानी दरूद शरीफ के पढ़ने के इतने बड़े फजाइल, दिन हो या रात हमें अपने मुंह से गम गुसार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम के फूल निछावर करते ही रहना चाहिए, इसमें कोताही नहीं करनी चाहिए। यूं भी सरकारी मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हम पर बेशुमार एहसानात हैं। बतने सईदा आमिना रضي الله تعالى عنها से दुनियाए आबो गिल में जलवा फरोज होते आपने सजदा फरमाया और होठों पर ये दुआ जारी थी, रब्बे हबले उम्मती, ए परवरदिगार मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा। रब्बे हबले उम्मती कहते हुए पैदा हुए, अपने फरमाया कि बख्शा सलातो व सलाम। रहमत आलम सफरे मेराज पर रवानगी के वक्त उम्मत आसियों को याद फरमा कर आप दीदा हो गए, दीदारे जमाले खुदाबंदी और खसूसी लवाजिमात नवाजशात के वक्त भी गुनहगारा ने उम्मत को याद फरमाया, उम्र भर गुनहगारा ने उम्मत के लिए गमगीन रहे। लिहाजा मोहब्बत और अकीदत बल्कि मुरव्वत का भी यही तकाजा है कि गम खारे उम्मत की याद और दरूद व सलाम से कभी गफलत ना की जाए। जो न भूला हम गरीबों को रजा, जिक्र उसका अपनी आदत कीजिए। अगर कोई शख्स किसी पर एहसान करे तो चाहिए कि मौसम का बदला दिया जाए, एहसान करने वाले का बदला दिया जाए। अगर बदला ना हो सके तो कम से कम उसके लिए दुआ कर दी जाए। अगर किसी के घर दावत खाएं तो उसके लिए भी दुआ करें। गौर तो फरमाएं प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पर कितने कितने एहसानात हैं, मगर ये कम मुमकिन है कि हम उनका शुक्रिया अदा कर सकें। बस इतना ही करें कि उनके उन पर दरूद व सलाम के तोहफे भेजा करें, यानी आपके हक में दुआएं रहमत किया करें, जैसे फकरा सखी दाता को दुआएं देते हैं। शुक्र एक करम का भी अदा हो नहीं सकता, शुक्र एक करम का भी अदा हो नहीं सकता। दिल तो तुम पे फिदा, जाने हसन तुम पे फिदा हो। तो इसी बात पर दरूद पाक इस तरह पढ़े, अस्सलातो व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह। हदीस पाक से पता चला कि ये नबी की नात है, इसमें ईमान वालों के प्यारे
मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजने का हुक्म दिया गया। यक्ष की बात तो यह है कि अल्लाह ने कुरान करीम में काफी अहकामात सादिर फरमाए, मसलन नमाज, रोजा, हज और ज़कात वगैरह वगैरह, मगर किसी जगह इरशाद नहीं फरमाया कि ये काम हम भी करते हैं, हमारे फरिश्ते भी करते हैं, और ए ईमान वालों तुम भी किया करो। अल्लाह नमाज पढ़ता है, अल्लाह नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, अल्लाह ये सब बात नहीं करता। कहीं भी नहीं कहा ये मेरे बंदो मैं नमाज पढ़ता हूँ तुम भी नमाज पढ़ो, मैं रोजा रखता हूँ तुम भी रोजा रखो, मैं हज या ज़कात देता हूँ अदा करता हूँ तुम भी करो, नहीं। अगर कहीं परवरदिगार आलम ने कहा है तो सिर्फ दरूद ओ सलाम के लिए ही, कहा मैं और मेरे फरिश्ते दरूद भेजते हैं गैब बताने वाले नबी पर, हे ईमान वालो हे मेरे बंदो तुम भी दरूद ओ सलाम खूब खूब भेजा करो। इसकी वजह बिल्कुल जाहिर है, क्योंकि कोई काम भी ऐसा नहीं जो खुदा का भी हो और बंदे का भी। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला का के काम हम नहीं कर सकते और हमारे कामों से अल्लाह बुलंदो बाला है। अगर कोई काम ऐसा है जो अल्लाह का भी हो, मलाइका का भी हो, मुसलमानों को भी उसका हुक्म दिया गया हो, वो सिर्फ और सिर्फ आकायदो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना है। एक सवाल आपके लिए बन गया कि कौन सा काम ऐसा है जो हम भी करते हैं और अल्लाह भी करता है, फरिश्ते भी करते हैं, तो आप जवाब दे सकते हैं वो क्या है? दरूद व सलाम है। जिस तरह हिलाल ईद पर सबकी नजरें जमा हो जाती हैं, इसी तरह मदीना के चांद पर सारी मखलूक की और खुद खालिक की भी नजर है। जिनके हाथों के बनाए हुए हैं उसनो जमाल, ऐ हसी तेरी अदा उसको पसंद आई है, ऐसा तुझे खालिक ने तरे तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। अल्लाह का दरूद है रहमत नाजिल फरमाना, जबकि फरिश्तों का और हमारा दरूद दुआए रहमत करना है। तो पढ़िए सलातो सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला